श्री राम। भारतीय जनता जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नीलम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
पीछे पकड़ाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्रीमती नीलम नियर जिंदाबाद। नीलम नियर जिंदाबाद। नीलम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नीलम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी कुछ ही देर में हम सब लोगों के बीच में होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज का ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रीमती नीलम नैयर जी, उनको किस तरह से हमने भारी बहुमत से विजयी बनाना है और चंबा विधानसभा को किस तरह से एकजुट होकर कार्य करना है, इसी विषय में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। बीच में होंगे सभी से आग्रह, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। कार्यकर्ता लड़ने जा रहे हैं और चंबा विधानसभा क्षेत्र में विकास का जो चौका है वो लगने जा रहा है। हम सभी स्वागत है जी, स्वागत है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनी वो न केवल हवा में चल के बल्कि आम गरीब जनमानस तक धरातल तक पहुंची है। धरातल तक उन लोगों को, सभी लोगों को इसका फायदा जो है मिला है। श्रीमती नीलम नैयर जी को हमने भारी बहुमत से चंबा सदर से विजय दिलानी है और चंबा विधानसभा क्षेत्र में विकास का जो चौका है वो हमने लगाना है। सभी से निवेदन है, जो बाहर लोग खड़े हैं वो कृपया अंदर आ जाए और अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीपैड में पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों में वो हम सब लोगों के बीच में होंगे। सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो बाहर खड़े लोग हैं, जो लोग बाहर खड़े कृपया सभी अंदर आ जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोगों से आग्रह जो बाहर खड़े लोग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीपैड के पास पहुंच चुके हैं। Thank you.
Fire!
सभी वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम अपना कार्यक्रम जो है उसे सुचारू रूप से शुरू कर सकें। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कृपया व्यवस्था की ओर ध्यान दें। जिसको जहाँ जैसा भी स्थान मिलता है ताकि हम अपना माननीय मुख्यमंत्री के साथ आए हुए सभी पार्टी के पदाधिकारीगण सम्मानित मंच पंडाल में उपस्थित मेरी मातृशक्ति भाइयों बहनों आप सब के तरफ से चंबा मंडल की तरफ से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पावन भूमि में पधारने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आप सब से सभी से अपेक्षा करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट काम नहीं होनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समर्थी चिन्ह देकर के सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट आप सब लोगों का यही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तालियों की गड़गड़ाहट काम नहीं होनी चाहिए। मित्रों ये हमारा सौभाग्य है, ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे होंगे। चलो दे दिया तो बोल दिया। धन्यवाद गुरुदेव जी, इसका बिल देना पड़ेगा। आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी, चंबा सदर के विधायक श्री पावन नैयर जी, हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती नीलम नैयर जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, SCST कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के सचिव भाई जय सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम कुमारी जी, जिला महामंत्री धीरज नरयाल जी, समस्त प्रदेश जिला एवं मंडल के आप सभी को इस बात का पता ही है कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने 2017 में जब पहली शपथ ली थी तो इन्होंने सबसे पहले जो योजना शुरू की थी वो वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसकी उम्र 80 वर्ष थी उसे घटाकर इन्होंने 70 वर्ष किया और अभी हाल ही में पीछे मार्च में 60 वर्ष किया। इसके लिए आदरणीय जयराम ठाकुर जी का चंबा की जनता तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। जो मातृशक्ति है उनका कराया जो बस में आधा किया था, इसके लिए भी जो चंबा की जनता है उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और जो हमारे गांव में पानी का बिल भी माफ किया और बिजली जो है वो 125 यूनिट तक इन्होंने माफ की है, इसके लिए भी चंबा की जनता इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और आप सभी इस जलाती धूप में अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जनता भाजपा जिला श्री जसवीर नागपाल जी, जिला प्रमुख चंबा के प्रभारी श्री उमेश दत्त जी, SCST कॉर्पोरेशन प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जयसिंह जी, जिला महामंत्री धीरज नरयाल जी, मंडल अध्यक्ष चंबा श्री विनोद कुमार जी, समस्त प्रदेश जिला व मंडल पदाधिकारी, हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA पन्ना प्रमुख व गांव केंद्र प्रमुख और सम्मानित मीडिया से आए हुए मेरे पत्रकार बंधु और यहाँ पर उपस्थित चंबा की समस्त जनता, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर प्रत्याशी के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत वर्ष की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के और हिमाचल की बागडोर एक साधारण परिवार से संबंधित
और गरीब लोगों का दर्द समझने वाले और महसूस करने वाले जयराम ठाकुर जी के हाथ में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य आपके समक्ष रखे गए, मान्यवर आपने तुरंत ही हमारे निवेदन पर उन्हें स्वीकार किया। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस वजह से चंबा विधानसभा के विकास में कोई भी कमी नहीं आई, वह पिछले 5 सालों में चंबा में रिकॉर्ड तोड़ जो है वो काम हुए हैं। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में चंबा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य में लगभग 306 करोड़ की लागत से चंबा PWD में काम हुए हैं, जिसमें लगभग 74 सड़कें जो है जिनकी कुल लंबाई जो है वो 104 किलोमीटर है। साथ ही विकास कार्य की 57 योजनाएं भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। यही नहीं, नगर परिषद क्षेत्र में जो है अति आवश्यक पार्किंग का कार्य भी जो है वो प्रगति पर है। नैयर को जय श्री राम, जय श्री राम। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने पकट और ताला रोड की स्वीकृति दी। इस रोड के बनने के माध्यम से जो है वो मेडिकल कॉलेज सरोल की दूरी जो है लगभग 6 किलोमीटर कम हो जाएगी और साथ में ही साथ लगते सिद्धकुंड, साहो और सिलाघाट की दूरी भी जो है वो कम हो जाएगी। अगर शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य जो है उसकी बात करूं तो विधानसभा क्षेत्र में आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल व सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण हुआ है और उसके साथ उन्हें स्टाफ भी दिया है। वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनोही, कैला और ककिया पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए तथा गेट और आगार पंचायत में नए वेटनरी डिस्पेंसरी भी खोली गई है और साथ में मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो प्रगति पर चला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे साहो क्षेत्र में नई उप तहसील साहो, बिजली बोर्ड का 33 KV सब स्टेशन, जल शक्ति विकास का सब स्टेशन खुल चुका है। चंबा के प्राचीन सांस्कृतिक महाविद्यालय का सरकार द्वारा अधिग्रहण भी हमारी सरकार की एक उपलब्धि है। हमारे चंबा के लिए एक और खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें चंबा के लिए डॉपलर रडार की सुविधा भी प्रदान की है। शिमला मंडी और में ही थी और अब ये चंबा में भी उपलब्ध है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह पिछले 15 सालों से चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र को आप लोगों ने अपनी मेहनत और जोश की से भाजपा विजय रथ को आगे बढ़ाया है, उसी तरह आप भारतीय जनता पार्टी के विजय ध्वज को इस बार भी चंबा सदर की जीत को अग्रसर करेंगे। विशेष रूप से मैं अपनी मातृ बहनों माताओं से अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह भाजपा नेतृत्व ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक महिला उम्मीदवार को चंबा सदर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसमें मेरी पूरी सहायता करेंगे और मैं सभी माताएं बहनों भाई बंधुओं और महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए बढ़ चढ़कर भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो सभी प्रण लेंगे। सदरवासियों के लिए और भाजपा कार्यकर्ता जो है आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि भारी मतों से चंबा सदर विधानसभा की सीट जो है वो आपकी। चंबा चंबा डोल रहा है, मिले मिले बोल रहा है, चंबा चंबा डोल रहा है, मिले मिले बोल रहा है। इस वजह मैं तुसी मेरी सारी बहना जो है वो रिक्वेस्ट करती कि चंबा जितने 4 साल बीच नेहर साहब ने जितने काम किए हैं और तुसा सब नजर आते हैं और कन्ने ठाकुर साहब ने भी इस कन्ने जो है कुछ भी काम जो है वो असं जो मनाई नहीं की है। मैं नेहर साहब और ने कभी भी कुछ कर्मचारी जो भी कभी तंग नहीं किया। अभी मैं इस कन्ने सारे कन्ने हाथ बिनती जोड़ी के प्रार्थना करती है कि तुसी सब जो है मुझे आशीर्वाद दो तो मैं इस वरिष्ठ पक्ष में मतदान के लिए।
विधानसभा में उपस्थित हिमाचल प्रदेश सदर विधायक श्रीमती नीलम नैयर जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, जिला चंबा के प्रभारी श्री जिला मंडल के पदाधिकारी हमारे बूथ के पालक डीएलए पनापुर की, आज उन्होंने फ्री चंबे हमारे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है आई है, और मेरा पूरा विश्वास दिलाता कि जरा विश्वास है हमारे पर क्या पूरे बिल्कुल विश्वास है पूरा कि हम ये सीट निकाल देंगे। ये हमारा पूरा पूरे हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की बागडोर एक ऐसे आदमी के हथ है जो गरीब लोग और मुख्यमंत्री बनने बाद इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई सारे गरीब लोगों वास्ते बनाई, चाहे इन्होंने देखे कि कोई भी आदमी जरा बगैर इलाज दे नहीं रहना चाहिए, इनकी योजना चलाई जितनी भी योजना चलाई सारी गरीब लोगों वास्ते चलाई, और जिस तरह इन्होंने सुनने पूरे हिमाचल लोगों का हजूम उमड़े रहा है, इसका पूरा विश्वास है कि अगले हमारे दिसंबर में जो हमारे पूरी मेजोरिटी है हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी और माने द्वारा माने माने मुख्यमंत्री जी क्या जिस तरह हमारे विधानसभा क्षेत्र अंदर हमारे जो वर्कर हैं एक उदय वर्कर नहीं हमारे 365 दिन जो काम करते हैं हमारे वास्ते दिन रात ही करते हैं और अगे भी अगे भी दिन रात ही करते हैं, और असं इन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जियां ये काम करते अस बिल्कुल ही ना करें, अच्छा माननीय मुख्यमंत्री का एहसान जीती पर नहीं भूल सकते जो काम दसे इन्होंने जितने भी काम थे पूरी तसली है सोचिए असने चंबे विधानसभा क्षेत्र सारे काम करी थे, तुम देख लो पहले सारा हमारी पार्किंग थी 25 करोड़ की पार्किंग बन दी है, कभी कोई सोचा नहीं होगा कि जितने हमारी रेहड़ी फड़ी वाले इन्हें कोई फ्री दुकाना मिली है, कभी वेंडिंग जोन का काम इतने असर लगाया था और 80-80 लाख दुकाना नहीं बिकदियाँ चंबे तो सब पता सारा चाहे छोटे पोके और ये जो असर फ्री देने थे ये हमारे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता ऐसी सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुल्तानपुर सिवरेज की सुल्तानपुर सिवरेज की हिंदुस्तान जो आजाद हो रहे कितने साल हुए और शहर ऐसा ही एक वार्ड था मैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट की थी ना बोले ये हो ही नहीं सकता कभी जो 10 वार्ड अंदर सिवरेज एक वार्ड अंदर है नहीं, उसी वक्त इन्होंने अनाउंसमेंट की थी और उसका 18-19 करोड़ का सिवरेज स्कीम जरा इतने काम किया। एक सर पार ग्रां हमारा तड़ ग्रां उत्ते बच्चे स्कूल के जिधर गरूर भी चाहते सारे और उन्होंने बेचारे 70 साल के मेरे पीछे पे कि इतने सड़क बनाओ या इतने ब्रिज बनाओ इन्होंने किया, मैं सर तुम्हारा धन्यवाद करता कि आज ये सड़क जी तड़ ग्रां उत्ते पुज गई, इसका मैं उद्घाटन करना था पर आचार संहिता रह गई और अज लोगों का जरा गरूर ये तो मैं मुझे पता तान लग गया जे बाहर एक दिन उत्ते अग लगी बाहर तड़ ग्रां और मुझे बोले एक मिनट आई जाओ तुम मैं गरूर च बही गया हवा दी चले कभी गरूर इं जाए करे गरूर इं जाए बोलो इतने फस आएगी मैं और मेरी सारी कमीज काली होगी पैंट काली होगी सारी ग्रीस ती लगी उत्ते उस मौके जाके पता लगता कि बच्चे कि आते होंगे स्कूल जो और अज उत्ते जी सड़क मिली है जितने भी असं उपर मलूना रोड थी माता सुनैना ने बलिदान दिता इन्होंने सड़क जो नहीं बनाई सके तो इन्हें कौन काम करना होगा इन्होंने ये चंबे के पिछले फिर बोलते पिछले 4 साल अंदर 5 साल 4 साल 5 साल अंदर कोई विकास नहीं होया, मैं बोलता चंबे जितना विकास हो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के इतिहास रचे चंबे वास्ते जितने काम किए उन्होंने और जितने दुख सुख अंदर जी चंबे आते रहे जिसे कोरोना था उस मौके भी हेलीकॉप्टर देख चंबे आइए ऑक्सीजन प्लांट एक नहीं था 3 हुई है MRI CT स्कैन अभी ना उन्होंने डॉक्टर नहीं है जी हर एक आदमी टाइम तो लगता है टांडा मेडिकल कॉलेज में उसी भी चलते चलते टाइम लगता है इन और कोई मुद्दा नहीं चंबे अंदर सिर्फ मेडिकल को डॉक्टर यही है असि असल फिक्र है सही कोई इन्हें थोड़ी फिक्र है साधन नहीं और एक और है इन्होंने आज के इन्होंने एक और रखे पेंशन वाला फार्म लेके जाते हैं लोगों ठगते नहीं सारा है और फार्म भरते फिर फार्म लेके
अगर तुम्हारे का कोई फार्म लेके आता तो उसे जेड़े साइन करता उसके फोटो ले उसे ताकि बदल के फलाने आदमी तुम्हारी पेंशन वास्ते कागज पाए फिर इलेक्शन पीड़ित है बेचवाड़ी इस अंदर पकड़े इन्होंने तो मेरी तुम्हारी सारी कई रिक्वेस्ट है ज्यादा नहीं बोलना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना है कि सारे ने मिली जुली गिरी जी है वो 12 तरीक से जो है फुल निशान पर बटन दबाना है और तुझे नहीं खिलाना तुमने जेडे काम हमारे पेंडिंग रही है ये असं जितने दिमाग अंदर काम तो कोई छे ने सर पर फिर भी कोई कुछ सड़क रही गिरी कुछ हरेक चीज रही गई हरेक आदमी जाना मेरे घर सड़क पूजे और हमारी पूरी कोशिश होनी है स्कूल दे प्लस टू स्कूल देते हाई स्कूल देते प्राइमरी स्कूल देते मिडिल स्कूल देते कोई उस जगह भी हमारी होनी रही और असं प्रधानमंत्री जी तहत एक धन्यवाद करते 75 साइंस म्यूजियम जरा इन्हें पूरे हिंदुस्तान में दिता और शुरुआत इन्होंने चंबे की और पहला साइंस म्यूजियम चंबे डॉक्टर रडार जो तुम्हारा इतने जोत अंदर इसका बिल्कुल कंप्लीट हो जरा मशीन थी इसे उसका भी उद्घाटन हो जाना तो ऐसी ऐसी चीजें कि चंबे वाले ने कभी इन्हें कांग्रेस लीडर ने कभी दिमाग अंदर नहीं आया चंबा चलो अभियान चलाया ऐसी ऐसी चीजें होगी चंबे अंदर एक रिकॉर्ड बनी है इकने में हमारे मुख्यमंत्री जी का तय दिल में धन्यवाद कहता कि उन्होंने हमारा पूरा 5 साल ख्याल रखे जो असें बोलिया कोई चीज ना नहीं की थी और मुझे पूरा विश्वास है सर जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट मिलजुल के काम हो जिस तरह संगठन मिलजुल के काम कर रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि सर पूरी मेजोरिटी करनी चाहिए सरकार जी अभी बढ़नी है और द्वारा माने धन्यवाद आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें माता की जय भारत माता की हाँ आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई हंसराज जी आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पवन अय्यर जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के नाते घोषित उम्मीदवार जो नगर परिषद की अध्यक्षा भी हैं 3 बार काउंसलर का आपने चुनाव लड़ा और जीता है श्रीमती नीलम नय्यर जी पार्टी के हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी पार्टी के हमारे चंबा जिला के प्रभारी भाई उमेश दत्त जी मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद जी एसटीएससी कॉरपोरेशन के हमारे वाइस चेयरमैन जय सिंह जी पार्टी के हमारे महामंत्री श्री धीरज नरियाल जी पार्टी के हमारे अन्य सभी पदाधिकारी जो यहाँ मंच पर उपस्थित है मैं सबका नाम लेना छोड़ देता हूँ क्योंकि लंबी सूची है इस तरफ भी है उस तरफ भी है कागज के और उपस्थित सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों एक बार फिर से चंबा में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज हम एक अलग कार्यक्रम यानी के चुनाव के सिलसिले में बात करने के लिए आए और मेरा ये भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात पिछले कल विड्रॉल थी और विड्रॉल के बाद जिसको ऑफिशियल चुनाव प्रचार की शुरुआत जिसको हम कहते हैं वो आज से है हमने चुरा विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत की आपके चंबा जिला के अंतर्गत और चुरा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो 68 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उसमें क्रमांक संख्या 1 पर पड़ता है वहां से शुरुआत की और
उसके बाद आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र का इसका क्रमांक मालूम नहीं क्या है? तीन है। और तीसरा नंबर आपका पड़ता है क्रमांक के हिसाब से। और यहां चंबा आकर के मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहां के देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं, भगवान शिव की इस धरती पर, भगवान लक्ष्मी नारायण जी, माता सूही और अन्य सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद लेकर के हम आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हैं। वहां मुझे इस बात की भी खुशी है 1981 के बाद चंबा के चौगान में प्रधानमंत्री जी पधारे और उस कार्यक्रम को आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ सफल किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंबा हर जगह से दूर, अगर प्रधानमंत्री जी कांगड़ा आते थे, चंबा के लोगों को कांगड़ा पहुंचना पड़ता था। अगर प्रधानमंत्री जी शिमला आते थे तो चंबा के लोगों को शिमला आना होता था। अगर प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आते थे तो चंबा के लोगों को धर्मशाला आना होता था रैली में। लेकिन अब की बार हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, एक ऐसा जिला हमारा है जहां आपके दर्शन करने के लिए उनको बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, और इसलिए आप समय दें और समय दे करके आप चंबा जाएं, चंबा आएं और चंबा के लोगों को वहीं पर हम मिलें। ये आग्रह मैंने जब उनके सामने रखा तो तुरंत उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और वादा पूरा करने के लिए मैं अभी दिल्ली से शिमला नहीं पहुंचा था, उससे पहले मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ गया कि चंबा के लिए जो उद्घाटन और शिलान्यास की जो योजनाएं हैं उनकी आप डिटेल बना करके भेजिए। हमने वो डिटेल भेजी। बीच में बरसात का मौसम आ गया और उस मौसम में हमने ही सलाह दी कि इस मौसम में आना उचित नहीं होगा, क्योंकि बरसात के मौसम में कभी कार्यक्रम बना हुआ रद्द हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस बात की मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का आने का मन बहुत मजबूत था कि चंबा जाना है। हम मिंजर के मेले में यहां चंबा आए थे और उस दिन जब मन की बात हमने सुनी, आपने इस बात को देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मिंजर की मेले की शुभकामनाएं मन की बात के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के साथ साझा करें। देश के लोगों को क्या मालूम है चंबा कहां है? देश के लोगों को क्या मालूम था कि चंबा में मिंजर का मेला होता है? देश के लोगों को क्या मालूम था कि मिंजर के मेले की विशेषता क्या है? लेकिन हमारे लिए इतना प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने चंबा के मिंजर मेले का भी जिक्र किया और मेले की विशेषताओं का भी जिक्र किया, चंबा के देवी देवताओं का भी जिक्र किया, चंबा के रुमाल का भी जिक्र किया। ये मन की बात में उस दिन उन्होंने जिस दिन मिंजर के मेले की शुरुआत हुई थी, और मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी यहां आए और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से संबोधन अपना दिया, ऐसा लगा कि ये चंबा उनके दिल में बसा हुआ है। हर बात को इस तरह से जोड़ा आपने। हमारे लिए खुशी का विषय है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लोगों को इतना प्यार करते हैं, और हिमाचल के लोगों के साथ साथ में चंबा के लोगों के साथ किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन हराने की बात मुझे तब और ज्यादा लगी जब हम दिल्ली में चुनाव के सिलसिले में एक हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है उस बैठक में जब बैठे थे, आधा घंटा से ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने चंबा के कार्यक्रम का जिक्र किया, एक एक चीज का जिक्र किया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया।
किया। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पूरे देश भर में घूमता, लेकिन जो अपनापन मुझे चंबा के लोगों के आंखों में दिखा, उनके दिल में दिखा, उनके चेहरे पर दिखा, ये मुझे बहुत कम देखने को मिला। ये प्रधानमंत्री जी ने जब हिमाचल का सारा नेतृत्व वहां उस बैठक में बैठा था, उस बैठक में उन्होंने जिक्र किया, उसके लिए मैं चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जिनके दिल में चंबा वालों ने इस तरह की जगह बनाई, ये मैं समझता हूं कि आज तक के पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री के दिल में ऐसा स्थान चंबा को नहीं मिल पाया था। आज हम चुनाव के सिलसिले में आपके बीच में आए हैं, यहां पवन नैयर जी ने बातों का जिक्र किया कि पार्किंग चाहिए थी, पार्किंग का काम शुरू किया, सीवरेज की बात थी, सीवरेज का काम शुरू किया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, मेडिकल कॉलेज के लिए आप लोगों के बीच में हमने बजट का प्रावधान करके, कांग्रेस के लोग तो जमीन भी नहीं दे पाए थे, ये सारी व्यवस्थाएं हमने की। और उसके बाद आज मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज जमीन पर खड़ा हुआ। कोविड का दौर आया, ऑक्सीजन के प्लांट बाकी जगह लगे, चंबा नहीं लगा। हमने कहा चंबा जरूर लगेगा, हमने ऑक्सीजन के प्लांट एक नहीं दो करे वहां। आपको बताते हुए मुझे इस बात की खुशी है, चाहे वो चंबा शहर की बात है, चाहे वो चंबा के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके, जहां जो चाहिए था, जो करने की जरूरत महसूस हो रही थी, उसको करने की हमने कोशिश की। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चंबा भले ही ऐसा कठिन और विकट परिस्थितियों के कारण पीछे रहा होगा आज से पहले, लेकिन हमने 5 वर्ष के इस कार्यकाल में चंबा को कभी पीछे नहीं रहने दिया। अपना हिस्सा जितना दे सकते थे, हिस्से से ज्यादा हमने चंबा के विकास के लिए। और आज हमारे इस कार्यक्रम में मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, कि जहां अगर चंबा के लिए हमने काम किया है, चंबा के विकास को गति देने का हमने प्रयत्न किया है, वहां आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, आप सबका सहयोग। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमको सरकार चलाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से मिला। हमने ईमानदारी से कोशिश की है, हमने ईमानदारी से प्रयत्न किया है, हम हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देते हुए हम हिमाचल को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और हिमाचल में एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की है। मैं कांग्रेस के उन मित्रों को जरूर कहना चाहते हैं, आज तो कह रहे हैं उन्हें घोषणाओं का सिलसिला शुरू किया है, हम 10 गारंटियां देते हैं, पहले हमसे उन गारंटी की बात करो जो पिछले चुनाव में, पिछले से पिछले चुनाव में आपने दी थी। आपने गारंटी तो 2003 में भी दी थी, महंगाई को रोकेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को आपने जो है हिमाचल प्रदेश में रोजगार दे करके उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कदम उठाया। मैं आज इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश में 60,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है, जबकि कांग्रेस इसके आधे आंकड़े के करीब नहीं पहुंच पाई। और हिमाचल प्रदेश में आजकल जिस प्रकार से वो प्रचार कर रहे हैं कि जैसे वो आएंगे मालूम नहीं क्या करेंगे, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आज हिमाचल की जरूरत है कि हम केंद्र सरकार के साथ चले, मिलकर के चले, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मिलकर के चले, ये आज की हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता हासिल की,
और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की दुर्गति इनने की है, हिमाचल अपने पांव पर खड़ा होने के लिए अभी कई वर्षों तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ गई। हमें कहा जा रहा कि हम ऋण लेते, ऋण लेने की वजह तो तुम हो। ऋण अगर लेना पड़ रहा है वो इनके कारण लेना पड़ रहा है। जो ऋण लिया है उसका जो भुगतान करना, उसका जो ब्याज अदा करना, यही हिमाचल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमको तो ऋण इसलिए करना लेना पड़ा क्योंकि कोविड का दौर आया, लेकिन आपके दौर में तो कोविड भी था नहीं। आपने हमसे ज्यादा ऋण क्यों लिया? हमने इन 5 वर्षों में कांग्रेस के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल 12 से 17 तक का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जितना ऋण लिया था उससे बहुत कम ऋण लिया, जबकि कोविड का दौर भी था। और कांग्रेस पार्टी ने जो 12 से 17 का ऋण लिया, हमसे कई गुना ज्यादा लिया। उसका जवाब आपके पास है क्या? तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में 20,000 नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, हम 60,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। गुमराह करने की कोशिश मत करो। महंगाई पर भाषण देने की बातें कर रहे हो। अगर पूरे देश में अगर महंगाई की सबसे बड़ी वजह है तो कांग्रेस के लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा, बेरोजगारी और महंगाई के लिए अगर सही मायने में कोई जिम्मेवार है, जिम्मेवार वो पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास में 75 वर्ष में से 50 साल तक सत्ता में रही। अरे तुम्हारे जमाने में तो ये होता था, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई थी। 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, आपस में घोटाले के लिए भी कंपटीशन होता था, ये स्थिति थी। लेकिन यहां 8 साल का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ, और 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री शिमला के रिश्ते मैदान से पूरे देश को संबोधित करते हैं, कोई उंगली उठा करके कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह आरोप है, कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जब कांग्रेस का दौर था, इस कोविड के दौर में भी कांग्रेस के शासन की तो बात छोड़िए, हर क्षेत्र में इस प्रकार की लूट होती थी। कौन जितना कहां से लूट सकता था, उस लूट में पीछे ना रह जाए। छोटे छोटे नेताओं को हमने देखा है, और मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं इसलिए कांग्रेस के नेताओं को कि थोड़ा सब्र में रहें। अगर हम उन सारी बातों का जिक्र करने पर आ जाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा जमीन पर चलना। हर कदम पर तुम्हारे भ्रष्टाचार के चिट्ठे खुलने की स्थिति में आपको जो है वो चलना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी नेता है, लेकिन हमने एक वादा किया था जब हिमाचल में सरकार बने कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, हमने नहीं किया। और हमने कहा था, इसलिए कहा था कि ये हिमाचल देवभूमि है, यहां पर बदले की भावना से काम करने की संस्कृति को बंद करना चाहिए, यह गलत रिवाज है, इस रिवाज को रोकना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो स्वागत है, तो भुगतान करने के लिए भी उनको तैयार रहना होगा। बहुत सारी चीजों का जिक्र करें तो मैं समझता बहुत लंबी बात जाएगी। और हम इस बात को कहते कि हमने 5 साल में गरीब के करीब रह करके काम किया। किसने बांधा था कांग्रेस पार्टी को, किसने रोका था?
बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए किसी ने रोक लगाई थी क्या? आज उनके नेता बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के उन निर्णयों को सबको रद्द कर देंगे। अगर हिम्मत है तो बुजुर्गों की पेंशन 7.5 लाख लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूं और उनको उसको बंद करके दिखाइए तो तुम मालूम पड़ेगा। लेकिन बंद तो कह रहे जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सब बंद कर देंगे। आएंगे तो ना, जब आने ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे? पेंशन तो तुम्हारी बंद हो जाएगी। बहुत विचित्र व्यवहार कर रहे। हम आएंगे तो ये भी बंद कर देंगे, वो भी बंद कर देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए आने जाने का किराया आधा कर दिया। कांग्रेस के नेता बोल रहे हम आएंगे तो बंद कर देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले पीने का पानी, रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था इस प्रकार से की। हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, इसका कोई पैसा हम नहीं लेंगे। हमने कहा पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसे पानी का गिलास दिया जाता है। पानी का गिलास दिया जाता है इसलिए क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। हमने कहा पानी पर पैसा हम गांव में नहीं लेंगे। और वो बोलते हैं हम आएंगे तो पानी का पैसा भी देना पड़ेगा। हमने कहा हिमाचल में हम बिजली पैदा करते हैं, हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए बिजली का प्रावधान हमने कहा उसमें कोई मदद करनी चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग जितनी बिजली खर्च करते हैं उसमें से 125 यूनिट हम बिजली का फ्री कर दिया, हमने बिना पैसे के कर दिया। और वो कहते हैं पहले कहा कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे, फिर बाद में किसी ने सलाह दी मत बोलो, बंद मत बोलो, बंद मत बोलो, ऐसा मत बोलो, नाराज हो जाएंगे लोग, वोट आ गए। फिर कहा हम 125 यूनिट नहीं, हम 300 यूनिट देंगे। जब 125 यूनिट का जीरो बिल आ रहा है, और यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कितने लोग यहां पर, जितने लोग बैठे जिनको जीरो बिल आया तो वो हाथ खड़ा करें, सब कहो जीरो बिल आया। अब वो बोले कि 300 यूनिट हम देंगे, जब 125 यूनिट पर जीरो बिल आ रहा है तो 300 यूनिट कहां डालेंगे भाई तुम्हारे, थोड़ा हिसाब भी लगाओ कम से कम। हम हिमाचल प्रदेश में 14 लाख ऐसे लोग जो हैं जिनको जीरो बिल आया है उनकी मदद कर रहे हैं, और वो 14 लाख लोगों के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम पुनः विचार करेंगे। कई बार बोलते हैं पुनः विचार, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के लोग खजल हो गए, खजल जिसको मैली में क्या बोलते हैं, खजल हो जाते ना वो, ऐसे होंगे दो कदम आगे इस तरफ चलेंगे दो कदम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसे ही खजल है वो, खजल पार्टी है। अब लादा लगाइए, एक तरफ से बोलते हैं कि हम बंद कर देंगे, दूसरी तरफ से बोलते नहीं नहीं बंद नहीं करेंगे जी, बोलते जय राम, जय राम बोल रहा है पूरा हिमाचल डाल रहा है, जय राम बोल रहा है। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, और वो जो लोग सत्ता में रहे एक बार नहीं अनेक बार रहे, बार बार रहे, किस गरीब के घर में चूल्हा होता था? गरीब के घर में तो धुएं से दूर से दिखता था, घर से धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए ये गरीब आदमी का घर है। आज हर घर में गैस का चूल्हा है, किसने रोका था? हम बेटी की शादी जो बीपीएल परिवार की उसके लिए 31,000 पे शादी का दे रहे हैं, तुम देते तुम 50,000 दे देते, किसने रोका था? लेकिन गरीब से वास्ता कोई नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। अब गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर जो है आयुष्मान भारत और हिमकेयर के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन उनके जमाने में तो यह था गरीब मरता है तो मरे, उसकी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते थे। जिंदगी तो सिर्फ अमीर लोगों की हुआ करती थी जिनके पास पैसा होता था, कभी सोच नहीं आई उनको। हमने गरीब आदमी के बारे में सोचा, जिंदगी गरीब की भी उतनी है
और जिंदगी की कीमत अमीर की भी उतनी है, अमीर की जिंदगी की कीमत ज्यादा नहीं है, वो भी इंसान है और गरीब भी इंसान है, इसलिए गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने 5 लाख। आज अगर गरीब आदमी बीमार होता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हिम कार्ड कर आयुष्मान भारत का कार्ड जेब में डाल करके इलाज करने के लिए जाता है। उसे मालूम है कि सरकार ने हमको ये मदद की है, इससे मेरा इलाज होगा। बहुत सारी बातों का जिक्र करें, अब कांग्रेस की हालत देखिए, सब छोड़ते जा रहे। यहां इनके एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए, जैसा कि भारत को कोई तोड़ रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि उस दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए। हिमाचल में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष को मदद करने के लिए कहा कि अध्यक्ष का जिम्मा बहुत बड़ा होता है, ये आसान नहीं होता, इसके लिए 4 लोग और चाहिए मदद करने के लिए। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और 4 में से 2 हमारे साथ में है, उसमें हर्ष महाजन जी भी आ गए। आज मैं अभी चुनाव में गया था तो भूटानी प्रकाश भूटानी जो है वो भी हमारी पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि कुछ बच्चा ही नहीं बोलता, जिस पार्टी का नेता भाषण में इस बात का जिक्र करता है कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया, तो उस पार्टी में क्या रह करके करना, उसको उनको यही मालूम नहीं है कि आटा कैसे मिलता है। लेकिन इन दिनों चुनाव के दिनों में आपके बीच में आकर के बात कर रहे हैं, कर्मचारियों को कह रहे हैं कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां हालत देखिए। लागू करने की बात तो कही है लेकिन लागू हो नहीं पाई है। अगर ओल्ड पेंशन पर अगर बात करना चाहेंगे कर्मचारी, मैं इनसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, हमने कर्मचारियों के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी किया जा सकता तो वो किया है, और आने वाले समय में अगर ओल्ड पेंशन का कोई समाधान निकलेगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इसका समाधान करेगी। तक बात आती है सरकार बनाने की, आजकल बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कांग्रेस के मित्र हमारे बहुत उत्साह में दिख रहे हैं। मैंने कहा भाई कुछ कुछ मिले हमको, कहने लगे कि हमारा बड़ा अच्छा माहौल बना। मैंने कहा माहौल तो पंजाब में भी बताते थे कि हमारा बहुत अच्छा माहौल, चनी साहब आएंगे, कान हमारे खोद दिए आप लोगों ने, लेकिन आए चनी साहब, वो तो दोनों जगह से चले गए, 2 जगह से चुनाव लड़े थे। मैंने कहा शोर तो आप बहुत डाल रहे थे कि उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड में तो हम आ ही रहे, लेकिन आए तो नहीं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा कि तुम्हारे शोर डालने से कुछ नहीं होने वाला है, और इनके कुछ नेता इस प्रकार से उनको आदत पड़ गई है गाली देने की, और गाली का जवाब उनको लोग गाली से नहीं देंगे, इस वोट जिस दिन वोट होंगे उस दिन जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी मैं आप सबके बीच में भाई और बहनों एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर देश की तरफ हम देखें, इस बात को आप मान करके चलिए,
कम से कम 2 दशक तक नरेंद्र मोदी जी को कोई ताकत नहीं रोक सकती, नहीं रोक। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाहे कांग्रेस पूरे देश भर में सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, और हमारी हिमाचल की जो जरूरत है वो जरूरत है कि हम ऐसे नेतृत्व को मजबूत करें जो चंबा का जिक्र करने के लिए आधे घंटे से ज्यादा समय हमारे साथ बिताए, चंबा की हर एक बात, चंबा की हर बात का जिक्र किया, चंबा रुमाल से लेकर के, चंबा चुक से लेकर के, चंबा चप्पल, चंबा की हर बात को लेकर के, चंबा के जो हमारी जितने भी जो हमारी जो प्राचीन जो हमारे मंदिर हैं, हमारे प्राचीन मंदिर के साथ साथ में जितना भी हमारे जो कलाकार के माध्यम से जो कृतियां यहाँ पर हमको दी जाती है, भेंट की जाती है, उन सब का जिक्र किया। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए ना, आवाज नहीं आ रही है, करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और मजबूत कैसे होंगे, मजबूत कैसे होंगे, वो वोट से मजबूत होंगे। ये चंबा की सीट हमको चाहिए, चंबा पूरा का पूरा चाहिए, और चंबा साथ चलने वाला चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाला चाहिए, जो 1981 के बाद ऐसे प्रधानमंत्री चंबा के चौगान में आए जिन्होंने चंबा के लोगों के लिए अपने दिल में जगह दी है, उनके साथ चलने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूँ, भाई पवन नैयर जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया, उन्होंने हमेशा चंबा की लड़ाई लड़ने के लिए ये रह गया वो रह गया, ये करना है वो करना है, सारी बातों का जिक्र किया है। और इससे पहले भी हमारी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने भी कोशिश की है। और उसके बाद अब मैं आपके बीच में ये जरूर कहता हूँ, अब की बार ये दौर कोविड का दौर था, अगर कमी रह गई एक दौर कोविड के बिना हमारे साथ चल करके देखिए, निश्चित रूप से महसूस करेंगे आपके चंबा के लिए जो बाकी चीजें बची हैं करने के लिए, उसमें कोई चीज करने के लिए नहीं बचेगी। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका सहयोग चाहिए। सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और सरकार बनेगी सिर्फ भाजपा की ही बनेगी, इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक बार जयराम जी बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं, मैं देख रहा था कि यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे, शायद यहाँ उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 4 है, ज्यादा नहीं है, कम है, हमें किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन सही मायने में चंबा के वोट के अधिकार को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पहला नंबर उसमें भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे प्रधानमंत्री। वो साथी कह सकते हैं ऐसा कि हम भी पार्टी के हैं, लेकिन हमारे सामने तो पार्टी का फूल जिसको जिसको दिया है, हम तो उसके साथ हैं, ये संदेश देने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां जो आपकी परिचित नीलम नैयर जो वर्षों से आपकी सेवा में यहां पर नगर परिषद में आप इनको अपना आशीर्वाद दें, और हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आपके चंबा क्षेत्र के जो रहे बचे काम अगर थोड़े बहुत रहते हैं उनको निश्चित रूप से पूरा करने का जिम्मा मैं लेता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से लेता हूं, और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा 12 नवंबर को आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि गाँव गाँव में घर घर में जाकर के आप निवेदन करने के लिए पहुंचे, मतदान जरूर करें, और मतदान जरूर करने के साथ ये भी जरूर ध्यान रखें कि कमल का बटन दबाना है और नीलम जी को विजयी करके शिमला पहुंचाना है, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि चंबा
चंबा मुझे लगता है कि आज से पहले मुझे मालूम नहीं कि कहीं किसी महिला प्रतिनिधि को दायी यहाँ पर, ये पहली बार इसलिए महिलाएं तो हैं, वो ताली बजानी चाहिए आपको और पुरुषों को भी बजानी चाहिए भाई कभी तो। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि चंबा से पहली बार महिला प्रतिनिधि के नाते हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर श्रीमती नीलम नैयर जी को आने का जाने का अवसर दीजिए और इनको आप जिता करके भेजिए और इनको हरी बहुमत से जिता करके आप भेजेंगे, निश्चित रूप से चंबा के क्षेत्र के विकास की हम करेंगे। ये हमारी तरफ से वादा है। इतनी बात करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी युवाओं में जोश भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा शक्ति प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका नॉमिनेशन की विड्रॉल के बाद विधिवत शुरुआत आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की है और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 62 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ सभाएं हो रही हैं और 62 विधानसभा क्षेत्र में आज चंबा के विधानसभा क्षेत्र में भी, चुरा में भी हमने इससे पहले सभा की है और इसके बाद मैं नूपुर जाऊँगा और एक अच्छी शुरुआत के साथ हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चंबा पूरे का पूरा, पिछली बार कमी रह गई थी एक सीट की कमी रह गई थी और अब की पांच की पांच, अब की बार हमने लक्ष्य रखा पूरा चंबा चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चंबा वासियों के लिए, चंबा पूरे जिले के लिए अपने दिल में सम्मान दिया, स्थान दिया है, उसको स्मरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे ऐसा होता है। और नीलम नैयर जी यहाँ चंबा से हमारी पार्टी की उम्मीदवार हैं और बहुत बड़े बहुमत के साथ वो जीत करके शिमला पहुँचेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इससे पहले हम पूरा जो बाकी सर एक क्वेश्चन है, पिछले आपके 5 साल के कार्यकाल में चंबा जिला जो है वो कैबिनेट को तरसता रहा, अगर इस बार सरकार हिमाचल में बीजेपी बनती है एक महिला मंत्री बनाना है चंबा से, सर जो बाकी कैंडिडेट, ये जो रैली हुई है बहुत बढ़िया, इसमें औरतों ने जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मैं सभी महिलाओं से यही निवेदन करूंगी कि वो जो है वो मुझे जिताएं, मैं इनके हर सुख दुख में इनका साथ दूंगी और ये जो है वो एक महिला जो है वो 2-3 परिवारों को जो है अपने साथ जोड़ती है, इनका मायका भी होता है, ससुराल भी होती है, बहनें हैं, भाई हैं, सबको ये अपने साथ जोड़ के चलती हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वो मुझे भारी बहुमत से जिताएं और चंबा की सीट को विधानसभा में लेके जाएं। मैडम, जो आज रैली हुई है जयराम ठाकुर जी की, इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह जो है वो पैदा हुआ? वो आप देख ही रहे हैं किस तरह का उत्साह भरा हुआ है, आपने देखा ही है, सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी। पहली बार आप महिला प्रत्याशी के रूप में उतरे, इससे पूर्व कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं रहे, कैसा अनुभव हो रहा है और क्या आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये चुनौतियां जो भी आएंगी उनका तो सामना जी करना ही पड़ता है और मैं नहीं समझती हूँ कि चंबा में इतने विकास के कार्य जो हैं वो हुए हैं और जो भी जो रह गए हैं मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं इनसे सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी मैं अपनी महिलाओं के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नीलम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नीलम नैयर जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद, नीलम जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, नीलम जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। Thank you.